स्टोंक रोड अंडरपास और जेपी फाटक अंडरपास में भी पानी भर गया। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने जेपी फाटक अंडरपास का जायजा लिया। राजधानी जयपुर में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जयपुर शहर के निचले इलाकों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें राजधानी जयपुर के सहकार मार्ग स्थित जेपी फाटक अंडरपास की, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल्स की किस तरह से जो बारिश का पानी है उसकी निकासी नहीं होने के कारण यहां पर पूरा जो अंडरपास है वो पानी से लबालब हो चुका है। बारिश का पानी और मलबा इसमें समा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं खड़े हैं, इंतजार हैं कि कब पानी निकलेगा और कब यहाँ से गुजर के ट्रेक के उस पार जाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 15 से 20 फीट तक गहरा पानी है और सामने आप देख सकते हैं आनन फानन में यहाँ देखिए जो मड पंप है उसकी सहायता से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरा जो अंडरपास है वो बारिश के पानी से लबालब है। स्थानीय लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनको सहकार मार्ग से दूसरी तरफ भी जाना होता है, लेकिन अंडरपास में पानी भरने के कारण ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि नगर निगम की ऐसी जो खामी है उसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि इस तरह से यहाँ पानी है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, पानी के निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए यहाँ पर नगर निगम द्वारा? कोई भी इंतजाम नहीं है, ना सफाई का इंतजाम है, ना पानी निकालने का इंतजाम है। पानी इतना भरा हुआ है, कभी कोई भी राहगीर आ जाए या कोई भी बच्चा है अगर गिर जाए तो उसकी अकस्मात मौत हो जाएगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन को कई बार पहले भी कह चुके हैं, बारिश से पहले भी कहा हुआ है कि आप इस पानी का बंदोबस्त करें, पर वो कोई बंदोबस्त नहीं करते निकासी का। ये बड़ी परेशानी है यहाँ पे। अभी इसी पानी को देखते हुए टोंक फाटक भी बंद था, गांधीनगर रेलवे स्टेशन वाला जो फाटक है वो भी 2 घंटे से बंद था, वहाँ भी कोई निकासी नहीं है आने जाने की। और इमली फाटक भी बंद था क्योंकि उसके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ गया था ट्रैफिक का। अभी जाके फाटक खुला है और ये बंद होने की वजह से, पानी बढ़ने की वजह से कोई निकासी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, इसमें रात के 8 बजे तक भी ये पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और अंडरपास ऐसा जयपुर में कोई नहीं है जो कि लबालब आज की तारीख में ना हो। और मैं यही कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसकी समस्याएँ दूर करी जाए, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ रही है। रोड पे इतना जाम है कि आदमी 15 मिनट के काम को 2 घंटे में कर पा रहा है। सर, बहुत परेशानी भुगतनी पड़ रही है हमको, और हम क्या गांव से आए हुए हैं, मजदूर आदमी हैं, आईडियां बंद कर करके बैठे हैं यहाँ पे। स्टमार्ट में काम करते हैं, काम करते हैं हम। यहाँ पे अंडरपास ये बंद है, वहाँ उधर कल्याण नगर अंडरपास बंद है, सारे अंडरपास बंद है, इधर टोंक फाटक बंद थी, इधर ये पुलिस मुख्यालय वाला अंडरपास है ये भी बंद है। पानी यहाँ भरने के कारण कभी भी कोई दुर्घटना संभावना यहाँ पर पैदा होती है, तो ऐसे में प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है। सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।